हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड अकाउंट्स ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल का जो होम पेज होता है, आप उसकी बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड में आप अपनी फ़ोटो किस तरह से लगा सकते हैं या फिर बैकग्राउंड का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और इसके नीचे जो शॉर्टकट आते हैं आप उनको कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर कैसे हाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। इससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। मेरे चैनल पर इनकम टैक्स, GST, कंप्यूटर बेसिक, पैन कार्ड, पासपोर्ट और MS Excel से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यह मेरे गूगल क्रोम का होम पेज आया है। हम जहाँ पर एक नई टैब को ओपन कर लेते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं यह मेरे गूगल क्रोम का होम पेज है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो इमेज लगी हुई है, आप इस इमेज को किस तरह से चेंज कर सकते हैं या फिर किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। इसके नीचे शॉर्टकट आ रहे हैं, आप इनको किस तरह से हाइड कर सकते हैं और अपने होम पेज को आप किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड इमेज के बारे में बात करते हैं। उसके लिए आप जहां पर राइट साइड में नीचे देख सकते हैं, जहां पर एक एडिट का साइन आ रहा है, आपको जहां पर क्लिक कर देना है। जहां पर क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं, जहां पर आपकी बैकग्राउंड की सेटिंग होती है, जहां पर आपकी शॉर्टकट की सेटिंग होती है, जहां पर और आप कलर और थीम चेंज कर सकते हैं। हम सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। अगर जो हमारी डिफ़ॉल्ट थीम है, आप इनमें से कोई थीम लगाना चाहते हैं तो आप जहां पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं जहां पर सेलेक्ट करता हूं, आप देख सकते हैं इसमें और काफ़ी थीम जो ओपन हो चुकी हैं। आप इनमें से जो भी थीम आपको अच्छी लगती है वो आप जहां पर सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इस थीम पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं जहाँ पर जो बैकग्राउंड में वो इमेज आ चुकी है। आप इनमें से कोई भी इमेज ले सकते हैं। अगर आपको अपनी इमेज सेट करनी है तो उसके लिए आपको आना होगा, आप जहाँ पर देख सकते हैं अपलोड फ्रॉम डिवाइस। अगर आपको अपने कंप्यूटर से कोई इमेज अपलोड करनी है तो आपको जहाँ पर क्लिक कर देना है। इससे आपको जो आपका इमेज वाला फोल्डर होगा आपको वहाँ पर चले जाना है। जैसे मैं जहाँ पर इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जहाँ पर बच्चे की इमेज आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं के जहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड ना आए तो आप जहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं जहाँ पर सेलेक्ट करके डन करता हूँ तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में अब कोई इमेज शो नहीं कर रहा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम शॉर्टकट की। आप देख सकते हैं शॉर्टकट कीज कौन सी होती हैं। जैसे मैं एक जहाँ पर नई टैब को ओपन करता हूँ, आप नीचे देख सकते हैं जहाँ पर कई साइट के लिए मेरे जो शॉर्टकट आ रहे हैं। जैसे ये यूट्यूब की साइट है, ये मेरा इनबॉक्स है जीमेल का, और ये ESA की साइट है। आप इस ऑप्शन से इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जहां पर आ रहा है जो आप अपनी इच्छा से शॉर्टकट बनाएंगे, आप उनको जहां पर शो करना चाहते हैं तो आपको जहां पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको डन कर देना है। जहां पर आप अपनी इच्छा से जो भी शॉर्टकट बनाएंगे वो आ जाएंगे। आप जहां पर क्लिक करके नया शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। आपको जहां पर उसका नाम लिख देना है, जहां पर आपको उसका URL पेस्ट कर देना है। अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आ रहा है मोस्ट विजिटेड साइट शॉर्टकट्स आर सजेस्टेड बेस्ड ऑन वेबसाइट दैट यू विजिट ऑफन। अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो जिस साइट पर आप ज़्यादा विजिट करते हैं वो अपने आप आपके शॉर्टकट बन जाएंगे। इसको सेलेक्ट करने के लिए जहाँ पर क्लिक करके आपको डन कर देना है। जहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर जिस साइट पर मैं ज़्यादा विजिट करता हूँ वो जहाँ पर शॉर्टकट आ चुके हैं, और नए शॉर्टकट को ऐड करने के लिए जहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही होगा। जिस साइट पर मैं ज़्यादा विजिट करूँगा जहाँ पर अपने आप ही उसका शॉर्टकट आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जहाँ पर आ रहा है हाइड शॉर्टकट्स। अगर आप इन सबको हाइड करना चाहते हैं तो आपको इसको टेक कर देना है और उसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं जहाँ पर कोई भी शॉर्टकट अब नहीं आ रहा है। मैं नई टैब भी आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी जो नया शॉर्टकट नहीं आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वो है हमारा कलर और थीम। अगर आपको कलर और थीम चेंज करना है तो आपको जहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे अब
मेरे जो थीम का कलर है वो ग्रीन है। हम जहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे या डन करेंगे, तो आप देख सकते हैं जहाँ पर थीम का कलर जो चेंज हो चुका है। इस तरह से जहाँ पर क्लिक करके आप अपनी थीम का जो कलर है चेंज कर सकते हैं। हम जहाँ पर सेलेक्ट करके और भी कलर चूज कर सकते हैं, जैसे हम जहाँ पर रेड कलर को लेते हैं, उसके बाद ऐड टू कस्टमाइज कलर पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जहाँ पर आप देख सकते हैं आपका वो कलर आ चुका है, उसके बाद आपको डन कर देना है, तो आप देख सकते हैं जहाँ पर रेड कलर आ चुका है। इस तरह से आप बैकग्राउंड की थीम और कलर चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ होम पेज का आपको कस्टमाइज समझ में आ गया होगा। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।